الله أكبر، أستغفر الله. आपने वीडियो देखी और वीडियो कहाँ की है और इसके अंदर हुआ क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये देखिए हमारे मुल्क के अंदर या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो अफगानिस्तान हो या आसपास के जितने ममालिक हैं नेपाल हो, यहाँ पर आप ये देखिए कि कितनी इज्जत और कितनी कदर उलमा की जाती है, ख़ासतौर से मस्जिदों के इमामों की जाती है। सर्दी का मौसम आता है तो इमाम से कहा जाता है कि टैंक में पानी गर्म क्यों नहीं है, सफ़े बिछी हुई क्यों नहीं है या सफ़े गंदी क्यों है, मस्जिद के अंदर कूड़ा क्यों है, इमामों से ही बात की जाती है। अगर इमाम ये कह देता कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं सफ़ा आपके लिए बिछाऊँ, मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाऊँ या फिर आपके लिए गर्म पानी करके दूँ, तो उन इमामों को मस्जिद से किसी और इल्ज़ाम लगाकर, कोई और नया इल्ज़ाम लगाकर उनको निकाल दिया जाता है। इतने बेशरम, बेहिस और बदतमीज़ हमारे अक्सर मसाजिदों के अंदर जो मुतवलियान हैं वो हैं इस वक्त, और तनख्वाह 7-8-10 हज़ार तक, 6-7-8-10 हज़ार बस। और इमाम क्या करेगा, 24 घंटे हमारी यानी उन मुतवल्लियों की, उन बदमाशों की गुलामी करेगा जैसे इनका बाप के नौकर हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ा कर देखिए और आपके दिल में सिर्फ ये हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बच्चे को इल्म दीन हासिल करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और ये बड़ा होगा, हाफिज़ बनेगा, आलिम बनेगा, लोगों को दीन के मसाइल बताएगा, उसके दिल के अंदर फिर उस बच्चे के अंदर जो बड़ा होता है ये नहीं होता कि मैं पैसा कमाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ ये होता कि मुसलमान किसी तरीके से मुसलमान बन जाएं या किसी तरीके से वो दीन पर अमल करने वाले बन जाएं, ये मकसद होता है। और इतनी बदमाशी मस्जिदों के मुतवल्लियान अक्सर हो रहा है, दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी इमामों के साथ करते हैं, हाफिज़ों के साथ, कुर्राओं के साथ करते हैं, जो जिसकी नतीजा जो हमें मिल रहा है देखने में ये नहीं है, जो आफतें आ रही हैं मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हों, वो यही एक सबब उनमें से ये भी है कि हम उलमा की कदर नहीं करते, बेइज्जती करते हैं, इसलिए हम सब में रुसवा हो रहे हैं। अब वीडियो कहाँ की है, ये वीडियो के बारे में जान लीजिए और आप ये देखिए जहाँ की वीडियो है वो मुल्क कितना तरक्की करता चला जा रहा, और वहाँ पर वहाँ का बादशाह भी जब हाफिज़ होते हैं बच्चे, अभी कुछ दिन पहले कुछ हाफिज़ हुए थे, तकरीबन 100-200 बच्चे बच्चे हैं, तो बहुत बड़ा एक जलसा प्रोग्राम किया गया जिसके अंदर वहाँ उस मुल्क का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मान लो या बादशाह कह लो, उस मौजूद है और उनकी उन खराज अकीदत पेश कर रहा है, उनका इस्तकबाल कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, वो जगह जगह ऐसे लोगों की वहाँ पर कदर हो रही है। ये तुर्की की वीडियो है जब एक रास्ते पर से, एक आम रास्ते पर से कुछ हाफिज जो हैं गुजर रहे थे, एक दुकानदार ने देखा अचानक में कि जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्हें दे दूँ मैं खाने के लिए ताकि मेरा ये माल जो है कुछ ऐसे लोगों के ऊपर लग जाए जो अल्लाह के दीन के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। गाया भागकर आपने वीडियो देखे रहा, एकदम से इनकल आकर कोई चीज़ दी, हालांकि रुकने को तैयार नहीं है, चल रहे हैं। आप ये देखिए कितनी मोहब्बत है इसके अंदर, इस शख्स के अंदर, तुर्की की वीडियो है। यही शख्स ऐसा नहीं है बल्कि तुर्की के अंदर हर आवाम के अंदर ऐसी ही मोहब्बत उलमा हुफाज के बारे में भरी हुई है, और इसकी जो वजह है और इसका जो नतीजा है वो यही निकल रहा है कि आज आप देखिए तुर्की कितना तरक्की कर रहा है, वहाँ का बादशाह भी हाफिज़ है, हम शानदार किरात तैयब और दुकान करते हैं, हमारे यहाँ जालिम, जाबिर, बददमी, बेहिस और आप इमानी शराबी भी कह सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर गुटखा, चरसी, सब जो मस्जिद के मुतवल्लियान हैं उनको खाते हैं, जो मस्जिद का चंदा आता है, और इमामों को टॉर्चर करते हैं, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है अपने यहाँ के जो भी इमाम हैं उनकी कदर करें, उनकी तनख्वाह थोड़ी है तो पूरी करें जो उनका गुजर बसर हो सके, और जहाँ पर भी कोई आलिम या हाफिज़ मिले तो उनकी इज्जत किया करें, उनका आगे रखा करें। आप इमाम बोल रहे हैं फिर उससे गुलामी वाले काम करवा रहे हैं तो आप ही बेशरम कहलाएंगे। दोस्तों बस इतना ही कहना था आपसे, आखिर में गुजारिश है आपको जो भी इस वीडियो के बारे में कहना हो कह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लें।